मुझे बताना, ठीक है? लेकिन प्रोग्राम के बाद तो सुनिए, देखने मिलेगा ना। ऐसे देखने मिलेगा ना, करते करते लेकर सुनिए।
चला गया, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब किसकी शरण में गए? बुद्ध की शरण में। तो आज बाबा साहब नंबर वन के विद्वान बन गए। तेरा जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो भी बेटा
राज रतन लेता हुआ है, तो माता रमाई रोती है और जैसे ही बाबा साहब पहुंचते हैं बेटा एकदम से दम तोड़ देता है। तो बाबा साहब रोते हैं, बहुत रोते हैं बाबा साहब, तो माता रमाई भी बहुत रोती है। तो माता रमाई कहने लगी कि साहब तुम तो कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन इस देश पर राज करेगा, क्या ऐसे ही राज करेगा? तो फिर बाबा साहब कहते हैं, अगर बात अच्छी लगे तो बाबा साहब के लिए जो अगर ताली बजाना, जब बाबा साहब कहते हैं कि देख बाबू मैं अंबेडकर ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली करोड़ों बहनों के पेट से हमारे राज रतन पैदा होंगे और फिर इस देश पर राज करेंगे। तो सुनिए, और जब गांव के लोग बोले कि साहब कफन की व्यवस्था कीजिए, बच्चे का अंतिम संस्कार करना है, तो बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने माता रमाई की तरफ देखा और कहा कि राज कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मुझे बच्चे की कफन की व्यवस्था करनी है। लेकिन माता रमाई मना कर देती है और कहती है कि साहब मेरे पास भी कुछ नहीं है, जो भी पैसा मेरे पास था मैंने वो आपकी पढ़ाई में भेज दिया। तो बाबा साहब और रोते हैं, तो माता रमाई कहती है कि साहब मर्द की आंखों में कभी आंसू शोभा नहीं देते। तो माता रमाई अंदर गई और एक साड़ी पहन रखी थी, उस साड़ी में 17-17 छेद हो रहे थे। तो अंदर गई माता रमाई, उसी साड़ी को उतारा और आधा फाड़ा और आधा बच्चे की कफन के लिए बना दिया। उसे कहते हैं माँ, और आजकल की माँ दूसरे के बच्चे को एक कप चाय भी पिलाती है क्या? सही बताओ, दूसरे के बच्चे को एक कप चाय पिलाती है क्या? नहीं पिलाती। आज उस माँ ने पूरा जीवन एक साड़ी में निकाल दिया और उसमें से भी अपने बच्चे का कफन बना दिया। उसे कहते हैं माँ।